नमस्कार प्राइम टेक न्यूज में आपका स्वागत है। खबर पिंगोवा हरियाणा से है। पिंगोवा हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रमुख एवं किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूरी ने पिंगोवा की अनाज मंडी का दौरा किया। मंडी में किसानों और व्यापारियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने मंडी व्यवस्था और किसानों की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। चंदूरी ने कहा, किसान ट्रैक्टर पर बीजेपी और कांग्रेस के झंडे लगाए भटक रहे, लेकिन कोई पार्टी उनकी सूद नहीं ले रही। वहीं मौजूदा सरकार की नीतियों और लुभाने वादों के कारण किसानों के दिमाग जाम हो चुके हैं। वह अब सोचने समझने की स्थिति में नहीं है कि किस तरह से अपनी आजीविका को बचाया जाए। मंडियों की बदहाल स्थिति, फसल के उचित मूल्य न मिलना बड़ा कारण रहेगा। प्राइम के न्यूज के लिए पिंगोवा से प्रवल सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आ गया था परसों और उन्होंने खरीद के आदेश दे दिए थे, लेकिन कल केवल 1200 क्विंटल धान खरीदी गई है और बाकी को मॉइस्चर का बहाना करा के छोड़ दिया है। तो आज हमने जो है वो मंडी में आए थे और यहाँ पे खरीद एजेंसी है फड और मंडी जो सेक्रेटरी है वो, इनकी दोनों की मशीनें लेके हमने चेक करवाया। तो पहली बात तो ये है कि मशीन में ही 2.5-3 पॉइंट का अंतर है दोनों मशीनों में, एक कम बता रही है एक ज़्यादा बता रही है, और हो सकता है कि जो कम बता रही है उसमें भी अभी और फर्क हो, वो अलग बात है। जैसे बहाना बना के छोड़ रहे हैं, जैसे 17.8 एक ढेरी में आया, अब वो कई दिन से ढेरी पड़ी है तो उसमें मॉइस्चर अपने आप बन जाता है। सुखा के भी इकट्ठी करोगे तो इकट्ठी करने के बाद उसमें मॉइस्चर बन जाता है, या तो 8-8 दिन से पड़ी हैं। तो अब इनसे ये बात हुई है कि 19 मॉइस्चर तक की जो है वो आप उठा लो, उसमें पल्टी मरवा सकते हैं। पल्टी मरवाओगे तो उसका 1-1.5 मॉइस्चर उसका कम हो जाए। किसान जो है, किसानों को समझने की ज़रूरत है। आज भी हम तो मंडी में खड़े हैं, क्या कांग्रेस और बीजेपी वाला मंडी में आया? आज भी हमने तो कॉल दी थी रोड जाम की, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आया, क्या कोई कांग्रेस का और बीजेपी का नेता आया? लेकिन ये किसान जो है ना, ये इनकी इनका दिमाग हो गया जाम कि ट्रैक्टर पे बीजेपी का झंडा लग रहा है, जीरी लदी हुई है, भगा के ला रहा है, मंडी में लाके ट्रली खड़ी की, खरीद है नहीं, और फिर वो गाना लगा रहा है जट दी जून बुरी, वापिस कर ले गया ट्रैक्टर पे गाना लगा रहा है जट दी जून बुरी, लेकिन बीजेपी का झंडा नहीं उतार रहा है, कोई कांग्रेस का लगा रहा है। अभी हम मरेंगे तो क्या हो, नहीं तो और क्या होगा इनका? अगर हमें मंडी में इकट्ठे करने लग जाए ना, तो 1000 किसान मंडी में हो तो 100 इकट्ठे नहीं होते, कौन लड़ेगा इनके लिए? जब तक ये खुद नहीं जागेगा तब तक तो खुदा भी इनकी नहीं सुनेगा। देखिए, अभी हमने इनको ये कहा कि हम 2 घंटे बाद फिर रिपोर्ट लेंगे कि आपने कितनी खरीदी, अगर आप खरीद लेते हो तो अच्छा है, अगर नहीं खरीदते फिर रोड जाम, फिर और हमारे पास क्या चारा है? सभी किसानों को इकट्ठे करेंगे।